हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा सीए फाउंडेशन टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्सरसाइज 4C। सॉल्व करेंगे पूरा डिटेल में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने इसके प्रीवियस एक्सरसाइज देखा है और वहां पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखा है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वही फॉर्मूले हमको यहाँ पे काम आएंगे, यहाँ पे यूज आएंगे। हमको यहाँ पे कैसा 4C सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आता हूँ डायरेक्टली 4C के ऊपर, टाइम नहीं वेस्ट करता, फटाफट सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल है। क्या लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करता हूँ। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एनुटी ऑफ ₹3,000 फॉर 15 ईयर्स एट 4.5% पर एन एम सी आई, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एनईटी दिया है 15 साल तक एट 4.5। तो यहाँ पे देखते हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मैंने आपको याद होगा, चार फॉर्मूले बताए थे, ठीक है? ऑर्डिनरी, रेगुलर और के दो थे वहाँ पे, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू में एक एक अलग अलग, और एनईटी ड्यू के। तो आपको वो फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, ठीक है? हमको दिया क्या है पहली बात तो वो लिख लेते हैं, ठीक है? ये एनईटी दिया है, मतलब हमारे हिसाब से ये आर दिया है जो हमने फॉर्मूला बताया था। तो ये 3,000 दिया है रुपीस, ठीक है? ये रुपीस 3,000 दिया है। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या दिया हमको, ये रुपीस 3,000, ठीक है? उसके बाद क्या दिया, एन दिया है 15 ईयर्स और आई दिया है यहाँ पे, सॉरी आर दिया यहाँ पे 4.5। तो यहाँ पे एन दिया है 15 साल, ठीक है, 15 ईयर्स। उसके बाद आपको आर दिया है जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है? बट हमको निकालना होता है आई, तो आई इक्वल टू आर अपॉन 100। आर अपने को कितना दिया यहाँ पे, 4.5 डिवाइड बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.045। ऊपर तो आपको इतना समझ में आता होगा, ठीक है? अभी क्या करना है, फॉर्मूला यूज करो, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू फॉर्मूला हमारे लिए क्या था, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करने बोला, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है, आर ब्रैकेट में 1 - 1 + i raised to - n / i। ये फॉर्मूला आपको यूज आएगा, ठीक है? होप करता हूँ आप लोगों ने वो इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा, यही फॉर्मूला यूज करना। अब यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना जाएगा, 3,000, ठीक है? 1 - 1 + i कितना है, 0.045। एन कितना है, 15, यहाँ पे -15 आएगा, डिवाइड बाय 0.045 i। तो इसको अभी आपको सॉल्व कैसे करना है ये भी हम लोग ने इंट्रोडक्शन में देखा था। इस पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, वन कैल्सियम में क्या करेंगे, कभी भी ये ध्यान देना, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये कैल्सियम है, ये वीडियो में दिखेगा नहीं, तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो आपको पहला स्टेप क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.045, क्योंकि आपका ये 1.045 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा उसको आप क्या करेंगे, इनटू प्रेस करके इक्वल्स टू को प्रेस करते जाइए कितनी, 15 टाइम, तो आपका इसका वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका वैल्यू आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, साइड में माइनस ऐसा प्लस का बटन दिया होगा, प्लस स्लैश माइनस, उसको एक बार प्लस करिए, फिर प्लस, फिर उसके बाद वन कीजिए, आपका इक्वल्स टू को एक आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये न्यूमरेटर वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। जिंदा साइड में प्लस माइनस का बटन दिया, उसको प्लस करिए तो माइनस आ जाएगा, और वन दबा के आपका इक्वल्स टू का ये न्यूमरेटर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड, जो यहाँ पे न्यूमरेटर में आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 0.045 करिए, ये जो आपका है, तो आपको ये पूरा पार्ट का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3000 कर दीजिए। तो आप जो अगर यहाँ पे हम लोग ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमको जो यहाँ पे आंसर आ रहा है, क्योंकि ये कैल्सियम में बच्चों यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 3221.8.63। समझा? तो होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल था, निकालना क्या था, प्रेजेंट वैल्यू, और हम लोग ने यहाँ पे फॉर्मूला देखा था। हाँ, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में भी ऑप्शन था, ठीक है, कि मतलब पेमेंट का भी होता है उसमें, उस हिसाब से आपको वहाँ पे डिसाइड करना कि ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे यूज होगा, पेमेंट एट बिगनिंग और एंड में। तो हम लोग ने यहाँ पे देखा रीपेमेंट हो रहा है, ठीक है? रीपेमेंट ऑफ लोन में हम लोग प्रेजेंट वैल्यू में कौन सा फॉर्मूला लेते हैं वो इंट्रोडक्शन में आप देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग ने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म किया। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, देखते हैं, 3221.8, 3221.8 अप्रॉक्स ये आ रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। ऊपर तो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, क्या दिया है। तो बच्चों अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर, क्या दिया है, द अमाउंट ऑफ एन एनईटी सर्टन ऑफ ₹150 फॉर 12 ईयर एट 3.5% पर एन एम सी आई, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एनईटी दिया है, एन दिया है और यहाँ पे आर दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हमको, यहाँ पे आर दिया है 150, ठीक है? और यहाँ पे आई हमको आ जाएगा कितना, 3.5 दिया है ना,
तो ये कितना आ जाएगा 0.035। अब फटाफट सॉल्व करेंगे, और n कितना दिया 12, ठीक है, n हमको यहाँ पे कितना दिया 12, वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे फॉर्मूले के हिसाब से, तो जो फॉर्मूले में उसमें फ्यूचर वैल्यू आता है, ठीक है, तो बट यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, अमाउंट ऑफ एन एनिटी सर्टन ऑफ रुपीज 150 फॉर 12 ईयर एट द रेट ऑफ 3.5%। तो हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू, ध्यान देना, आर ब्रैकेट में 1 + i^n - 1/i, समझा, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू आर कितना दिया 150, 1 + i कितना दिया 0.035, रेस्ट टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 12 - 1/0.035, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे सेम आपको, ये तो बहुत सिंपल है, 1 + 0, इसको कैसा करना है आपको, 1.035 को इक्वल्स टू इनटू इक्वल्स टू 12 बार प्रेस करना, जो आंसर आएगा -1 कर देना, डिवाइड बाय 0.035 मल्टीप्लाई बाय 150, तो आपका जो आंसर आएगा 2190.29, समझ में आ रहा है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ एनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2190.29। अब होप करता हूँ आपको ये समझ में आएगा, जो हमारा 2190.29 मतलब ये ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा जो आंसर मैच हो रहा है वो है ए। आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट देखिएगा, आपको फॉर्मूला कैसे यूज करना वहाँ पे आपको क्लियर होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हमने बताया था कि अगर कुछ नहीं दिया तो हमको ऑर्डिनरी रेगुलर ही लेना है, ठीक है, और उसमें ऑर्डिनरी रेगुलर में हमारे पास था फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे फॉर्मूला स्पेसिफाई करना है, तो वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको ही यूज किया और उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला लिया, ठीक। होप करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। अब आते यहाँ पे ऑप्शन जो हुआ ए मैच हुआ। अब आते क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर, क्या दिया है, अ लोन ऑफ रुपीज 10,000 इज टू बी पेड बैक इन 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट, द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल एंड एट 4% पर एनम सीआईएस, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे 10,000 रुपया रुपीज 10,000 टू बी पेड बैक, ठीक है, 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट टू कवर द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एनईटी निकालना है, ठीक है, एनईटी निकालना है, और उसने उसको क्या 10,000 रुपया भरना है, तो यहाँ पे आपको जो लगाना है, ठीक है, एनईटी निकालना है, पहले यहाँ पे क्या किया, पैसा ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू दिया, यहाँ पे एनईटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्या दिया हमको, सपोज यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे 10,000 है हमारे पास, 10,000 दिया है, एन इक्वल टू 30 दिया है, आई इक्वल टू कितना दिया है 0.04, क्योंकि आर इक्वल टू यहाँ पे 4% दिया है, ध्यान देना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे वही फॉर्मूले से, यहाँ पे मैं प्रेजेंट वैल्यू लिखता हूँ, आर ब्रैकेट में 1 - 1 + i^-n/i, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू दिया है वो कितना दिया है 10,000, आर एनईटी हमको निकालना है 1 - 1 + 0.04 - 30 डिवाइड बाय 0.04, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना आंसर आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे कैलसी है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं वीडियो में, तो इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है, हाँ जी, ये 17.292 और आएगा, आप लिख सकते हो। देयरफॉर आर इक्वल्स टू कितना जाएगा, आर इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 578.30, समझ में आ रहा है। तो एनईटी मिल गया हमको कितना, 578.30, तो हमारा जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आ जाएगा, ठीक है। ऊपर तो आपको ये इतना समझा होगा, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर। ए इक्वल्स टू दिया है रुपीज 1200, एन 12 दिया है, आई इक्वल्स टू 0.2, यहाँ पे वी निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वी विल बी, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया आपको, खाली फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ पे दिया वही फॉर्मूला है, थोड़ा यहाँ पे हम लोग ने मॉडिफाई किया, जो फॉर्मूला दिया हम लोग उसको यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या दिया है। पहली बात तो ए दिया है कितना 1200, एन दिया है कितना 12, आई दिया है कितना 0.08, वी निकालना है, ठीक है, हाँ जी, v निकालना, फॉर्मूला क्या दिया, v इक्वल्स टू a अपॉन i ब्रैकेट में 1 - 1/1 + i^n, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए,
ए कितना दिया था आपको? 1200, 1200 दिया है। आई कितना दिया है? 0.08। 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0.08 डिवाइड रेश टू 12। इसको आप अगर सॉल्व कर लेंगे ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1200 डिवाइड बाय 0.08। इसको मैं करता हूँ 1200 डिवाइड बाय 0.08, 15,000 रुपये आएगा। ठीक है, ये नीचे करते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन, इसको सॉल्व कर लो, 2.5181 आएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 15,000। और इसको सॉल्व करने पर आपको 1 माइनस 0.39712 मिलेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे करके रखा है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 9043.20। ठीक है, ये हमको यहाँ पे क्या मिल गया? ठीक है, तो ये हमारा ये फाइनल आंसर आ गया 9043.20। आपको खाली सब्सटीट्यूट करना है, तो आंसर जो मैच होता है दैट इज डी, ऑप्शन इज डी। तो क्वेश्चन नंबर 5th पे आते हैं। ए दिया है, एन दिया है, आई दिया है, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनी टी। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फ्यूचर वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है, बट यहाँ पे आपको सब गिवन कंडीशन ही दिया है। तो यहाँ पे आपको मैं आंसर बताता हूँ, ये आएगा, आपको खाली सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। तो ये मेरे हिसाब से होमवर्क रहेगा, डाउट तो आना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, खाली यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, और ये बहुत ही सिंपल है, खाली फॉर्मूले में आपको सब्सटीट्यूट करना है। ठीक, होप करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 6th के ऊपर। क्या दिया है? इफ़ द अमाउंट ऑफ एन एनी टी आफ्टर 25 ईयर एट 5% एनम इज ₹50,000, दी एनी टी, एनी टी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, एनी टी निकालना है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू दिया है कितना? 50,000। एन ए दिया है कितना? 0.05। उसके बाद सॉरी, ये आई होगा, ये आई हो गया। एन कितना दिया हमको? एन दिया हमको यहाँ पे 25 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखता हूँ फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू क्या दिया? आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 50,000 दिया है। आर फाइंड आउट करना है, 1 प्लस 0.05 रेज टू ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 0.05। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो ये 50,000 इक्वल्स टू आर इंटू ये 47.7270। ठीक है, सॉल्व करिएगा बराबर। कुछ भी डाउट का है तो आप कमेंट करिएगा, या हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे आइडिया उसको ज्वाइन करके अपना डाउट क्लियर कीजिए कैसे आता है। ठीक है, तो देयरफॉर आपको आर इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा? यहाँ पे 1047.62, समझा? तो ये जो एनईटी आ गई हमको 1047.62। बच्चों इंट्रोडक्शन देखिएगा, फॉर्मूला हम लोग ने वहाँ पे डिस्कस किया है कि कैसे यूज करना है। तो ऑप्शन जो आपका मैच होगा 104, दैट इज बी वाला, गिवन एनईटी ऑफ ₹100 अमाउंट टू ₹3137.12 एट 4.5% पर एनम सीआई, द नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे पूछा है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स निकालना है आपको। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू आपको फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको यहाँ पे दिया है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू कितना दिया? 3137.12। ठीक है, आर है हमारे लिए एनईटी, दैट इज 100 दिया है। एन कितना दिया है यहाँ पे आपको देख लेते हैं, एन ही फाइंड आउट करना है। आई इक्वल टू कितने दिया? 0.04। तो यहाँ पे एन क्या मिल जाएगा आपको? सॉरी, एन की जगह पे आई लिखेंगे हम लोग। आई है कितना दिया है? सॉरी, आर दिया 4.5, कितना जाएगा? 0.04, समझ में आ रहा है। उसके बाद आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए फॉर्मूले में। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू क्या था? आर ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई। ठीक है, यही फॉर्मूला है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे कितना जाएगा फ्यूचर वैल्यू? यहाँ पे कितना दिया? 3137.12। आर कितना दिया है यहाँ पे देख लेते, 100। ठीक है, 1 प्लस 0.045 रेस टू कितना है हमको फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ ईयर्स, आई मतलब नंबर ऑफ ईयर्स होता है 0.045, और यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 1 पॉइंट इसको डिवाइड कर देंगे, एक मिनट,
मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ कैल्सी से, ठीक है? तो अभी आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इधर भेजने से अच्छा या तो एक काम करते हैं, इसका पहले आप आंसर, इसको आंसर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है? और ये माइनस वन को भी नहीं, तो ये 100 डिवाइड बाय 0.045 करिए पहले, 100 डिवाइड बाय 0.045 आंसर कितना आता है आपका, 4 बार 2.4 बार 2, समझा? ये 4 बार 2.4 बार 2 आप लिख दीजिए यहाँ पे, इक्वल टू ये कितना है, 3137.12, समझ में आ रहा है? ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया, समझ में आया? ये कितना जाएगा, 1 प्लस 0.045 टू n माइनस 1, ये तो आप ब्रैकेट में रखिए। अब क्या करेंगे, इस 4 बार जो 4 बार 2 है इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा 3 2.41170, ठीक है? कितना आंसर आ जाएगा, 3137.12 डिवाइड बाय 1234.1234, ठीक है? यहाँ पे कितना आएगा, 2.411। अब इसको क्या लिख देंगे, 1 प्लस 0.045 रेज टू n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा माइनस, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2 पॉइंट नहीं है, 1 पॉइंट आएगा, मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया, तो ये 1 पॉइंट हो जाएगा, और ये माइनस वन इधर आके जो होगा डायरेक्ट आंसर, ये 2.41170 हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और ये 1 प्लस 0, 1 प्लस से अच्छा हम लोग इसको 1 पॉइंट लिख देते हैं, ठीक है? तो 1.045 रेज टू n। अब आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, 1.045 इंटू 1.045 आपका दो बार आंसर आएगा, इक्वल टू प्रेस करते रहिए, जो अप्रोक्स आंसर इसके इसके अराउंड आएगा, समझ में आया? या तो 1.045 इंटू इक्वल टू प्रेस करते रहिएगा तब तक जब तक आपका आंसर इसके अप्रोक्स नहीं आता। यहाँ पे आप अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप 20 करोगे, तो 1.045 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20। अब 20 करोगे मतलब 1.045 रेज टू 20 कैलसी में, तो आपका आंसर जो आता है 2.41171, तो ये आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2.4117 है इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.045 रेज टू 20 लिख देंगे, और ये इधर हमारा ऑलरेडी रेज टू n है, तो ये डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे, तो देन n इक्वल टू हमको 20 आ जाएगा, समझा? कितना आ गया, 20 ईयर्स। बहुत ही सिंपल था, ठीक है? फॉर्मूला यूज़ किया और आपको ये खाली सॉल्व करने आने, तो कैलसी बराबर यूज़ करिएगा बच्चों, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ बी वाला, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया वो बी हो गया, ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, अ कंपनी बोरोज ₹10,000 ऑन कंडीशन टू रीपे इट विथ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम बाय एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100। नंबर ऑफ ईयर्स इसमें भी पूछा है, सेम तरीका यूज करना है, ठीक है? बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है? पहले से यहाँ पे ले लिया, ठीक, ₹10,000, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 8, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फॉर्मूला लिखता हूँ मैं आपको, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जो फॉर्मूला मेरे पास, r 1 माइनस 1 प्लस i रेज टू माइनस 1 अपॉन i, समझा? रीपे करना है, पेमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, एट द एंड हो रहा है रिपेमेंट ऑफ लोन, तो फॉर्मूला यही यूज होगा। वहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू दिया डायरेक्ट लिखो ना बच्चों, यहाँ पे 10,000 और 1,000 रुपया देगा इंस्टॉलमेंट पे, तो यहाँ पे 1,000 रुपया हमारे लिए एनुइटी हो गया। 1 माइनस 1 प्लस r देखते हैं यहाँ पे, मतलब i कितना दे, 5%, मतलब 0.0405 हो जाएगा, रेज टू माइनस n अपॉन 0.05, समझा? अब इसको आपको सॉल्व करना, मुझे मालूम है आप कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको यहाँ से पहले डिवाइड कर दीजिए सिंपली, फिर कितना जाएगा, 0.5 इक्वल्स टू, या तो आप इसको भी कर सकते हैं, सॉरी पहले जैसे हम लोग ने किया था यहाँ पे, तो ये इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो इसको यहाँ पे कितना जाएगा, 10,000 डिवाइड बाई ये 20,000 आता है, तो ये सिंपल हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे मैंने उसी हिसाब से किया है, 1 पॉइंट ये कितना जाएगा, 1.05 रेज टू माइनस n, समझ में आ रहा है? अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 0.5 इक्वल्स टू 1 माइनस 1.05 रेज टू माइनस n, समझा? अब इसको आप थोड़ा एडजस्ट करेंगे,
मतलब ये नेगेटिव उधर भेज दीजिए, ये कितना हो जाएगा 1.05 रेज टू माइनस एन, ये 1 माइनस 0.5 आ जाएगा। तो अगेन आपको ये 0.5 ही मिलेगा और 1.05 रेज टू माइनस एन मिलेगा। अब माइनस एन है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 0.05, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है ये 1 आएगा, रेज टू एन हो जाएगा नेगेटिव आपको पॉजिटिव, और ये 1 बाय 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या है, वापस वही कैल्सियम में 1.05 इंटू करना है तब तक जब तक आपका अप्रॉक्स आंसर 2 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो आपको जो 1.05 रेज टू 14 कर रहा हूँ, एक मिनट, तो ये कितना आ जा रहा है हमारे हिसाब से आंसर, ये एक मिनट वापस कर लेता हूँ, 1.05 इंटू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 पे जो आंसर आ रहा है हमारा 1.9799, और जो 15 पे आ रहा है ये आ रहा है 2.07। समझ में आ रहा है 1.05। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, ऑप्शन देखोगे जो आपको ये 14.2, 10, 12 नन ऑफ दिस दिए, तो ऑप्शन को आपको मैच करना है। तो यहाँ पे आंसर देखोगे तो 1.05, 1.97 मतलब अप्रॉक्स 2 है, और ये 2 पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा 2.07। तो आप क्या करेंगे, बीच का आंसर चॉइस करेंगे, मतलब जो 14.2 दिया वो आपका परफेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो, क्योंकि 2 तो यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है तो 2 तो आ नहीं रहा है, तो 1.97 पे 14 आ रहा है, 2.07 पे 15 आ रहा है, 15 करने पर। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर एन इक्वल्स टू क्या लेंगे, 14.2 इज आवर परफेक्ट आंसर। समझा, 14.2 इज परफेक्ट, तो 8th का ऑप्शन दैट इज ए वाला, ठीक है। अब आते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर। मिस्टर एक्स बोरोड रुपीज 5120 एट 12.5% पर एनम सीआई एट द एंड ऑफ 3 इयर्स, मनी वाज रीपेड अलोंग विद द इंटरेस्ट अक्यूर्ड, ठीक है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय हिम, ठीक है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, ये पुराने वाला जो क्वेश्चन है उस टाइप के यहाँ पे फॉर्मूला दी, क्वेश्चन दिया पुराने वाले की तरफ। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको क्या दिया है, पी यहाँ पे दिया है 5120, ये प्रीवियस वाला सम जैसे हम लोग सॉल्व करते थे एक्सरसाइज डी में, वैसा टाइप का यहाँ पे दिया है, एन इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, आर इक्वल टू 12.5 बोल सकता हूँ, ठीक है, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12.5 डिवाइड बाय 12.5 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए तो 0.125, ठीक है, यहाँ पे सी आई आपको निकालना है इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए इक्वल हम लोग प्रीवियस का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रीवियस एक्सरसाइज के 1 + R/100 रेज टू एन, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, P120 1 + R की जगह पे हम लोग R यहाँ पे दिया है वो लिख देते 12.5, या तो डायरेक्ट I भी लिख सकते थे कोई नहीं, लेकिन N क्या दिया 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको A इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7290। समझा, बहुत सिंपल है, हम लोग देखा था सी आई क्या होता है, A माइनस P, A कितना मिल गया 7290, P कितना दिया है 5120, तो यहाँ पे 7290 माइनस 5120 कितना आ जाएगा आंसर, 2170। बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है, इंटरेस्ट मिल गया पेड बाय हिम दैट इज 2170, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर, फटाफट सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है, आपको खाली याद होना चाहिए। मिस्टर पॉल बोरोस ₹20,000 ऑन कंडीशन टू रिपे इट विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹2,000 ईच नंबर ऑफ ईयर। बच्चों ये भी सेम ही है, मैं अगर आपको बोलूंगा तो यहाँ पे आपको, चलो ठीक है कर लेते हैं, सेम ही है जैसा हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर कौन सा था, अभी जस्ट सॉल्व किया 8th वाला, ठीक है, तो आपको वैसे ही सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे और फटाफट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 डायरेक्ट लिखूँ, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है वैल्यू एक क्या दिया 20,000, एनईटी तो दिया आर दैट इज 2,000, आई आपको क्या दिया
पांच मतलब 0.05 हो जाएगा, ठीक है। एन ही हमको फाइंड आउट करना है, एन हमको फाइंड आउट करना है, तो वही से ही आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये 20,000 हो जाएगा, आर वाई फॉर्मूला, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई आता है, तो 0.05 रेस टू माइनस एन अपॉन 0.05। आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप 2000 को डिवाइड बाय 0.5 कर दीजिए, कितना आंसर आता है, 4000। ये 20,000 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 20,000 को डिवाइड बाय 4000 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, पहले इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस 1.05 रेस टू माइनस है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब एक बार यहाँ पे देखते हैं, 2000 डिवाइड बाय 0.05, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, ये 40,000 आ रहा है, वही मैं बोला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 20,000 को डिवाइड बाय 40,000 कर दीजिए, कितना आंसर आता है, 0.5। तो यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, उसी टाइप का ही आपका ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। वापिस इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.05 रेस टू माइनस एन अपॉन 1 माइनस 0.5, ये 0.5 अगेन, और यहाँ पे 1.05 रेस टू माइनस एन, इसको वापिस नीचे लेंगे, तो ये सेम उसी तरीके से जा रहा है। 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हैं, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/2 आ गया, आप देखोगे सेम ही आपका आंसर आएगा, एन इक्वल टू कितना मिलेगा, 14.2, समझा, एन इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 14.2। होप करता हूँ आपको समझ में आया, क्योंकि वो सेम ही है जो हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किया, ठीक है, एकदम सेम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा क्या है, 14.2, एन इक्वल टू 14.2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10th वाला खत्म हो गया, अब आएंगे 11th वाले के ऊपर, ठीक है। 11th क्या दिया हमारा, अ पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक विच पेज इंटरेस्ट एट 10% देरी पर एनम सीआई एनुअली द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट वन ईयर आफ्टर ही मेड हिज अर्ली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम, मतलब अर्ली इन्वेस्टमेंट है स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट नोट, क्रेडिट वन ईयर, ठीक है, एक साल का अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग, मतलब उसको अमाउंट यहाँ पे कितना आएगा, स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट वन ईयर आफ्टर ही मेज हिट, मतलब पहले पे कर दिया तो यहाँ पे कितना उसको मिलेगा वो यहाँ पे देखना हमको इंटरेस्ट, ठीक है। ड्यू अमाउंट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। पर्सन इन्वेस्ट रुपीज 500 मतलब एनिटी हो गया एट द एंड ऑफ ये पेज 10%, ये आई मिल गया आपको 12, एन इक्वल्स टू यहाँ पे 12 दिया, तो फॉर्मूला सिंपल है, ड्यू अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है, एनिटी ड्यू का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कि कितना आपको यहाँ उसको यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, ड्यू अमाउंट लिखता हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा, इक्वल्स टू फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, आर, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई। बच्चों यहाँ पे स्टैंडिंग और अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे वो जो फॉर्मूला है वो क्या जाएगा, 1 प्लस आई, ठीक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना, जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम लोग ने वहाँ पे देखा भी था, अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट वन ईयर आफ्टर ही पेड हिज अर्ली इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉर द 12 टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, जो एक जल्दी हो गया ना एक साल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस आई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अभी हम लोग खाली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आर हमको मालूम है कितना दिया है, 5000, 1 प्लस आई कितना दिया है, 10% दिया है, तो 0.10 आएगा रेस टू एन, मैंने 1 लिखा है क्योंकि पॉइंट के बाद कुछ वैल्यू नहीं होता है जीरो का, तो 1 डिवाइड बाय 0.10 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे 0.1 ही लिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद 1 प्लस 0.1, समझा। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, 500 इसको अब एन यहाँ पे हमको कितना दिया था, एन कितना दिया था यहाँ पे 12, हाँ एन हमको यहाँ पे कितना दिया 12, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना ऊपर वाला जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये कितना देगा, 3.13842 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1 और ये 1.1, ठीक है, सॉल्व कर लो, आपको जो डी अमाउंट आएगा, ठीक है, ड्यू अमाउंट आपको आ जाएगा ये 1176 1.3560, आंसर सॉल्व किया, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, अमाउंट स्टैंडिंग जो यहाँ पे
₹500 एट द एंड ऑफ ईयर दिया है, विच बैंक पेज इंटरेस्ट एट ₹10% पर एनम सी आई एनुअली अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट वन ईयर, ठीक है, आफ्टर हिज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ड्यू अमाउंट हमको यहाँ पे निकल गया, तो हमें हमको यहाँ पे जो ड्यू अमाउंट निकला वो क्या 1176.1356, ठीक है। तो आंसर जो है ए वाला अप्रॉक्स आ रहा है, तो 1176.1356 दैट इज सेम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 11 का है, दैट इज ए। ऊपर तो समझ में, क्वेश्चन अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होना, थोड़ा हो सकता है एक बार नहीं दो बार तीन बार रीड करिएगा, एक बार हो सकता है मिस्टेक, दूसरी तीसरी बार आराम से सॉल्व करिएगा। अभी आता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, तो बच्चों ये भी सिंपल है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको क्या दिया, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एनईटी 5012-4, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमको आर दिया है कितना 5000, ठीक है, और यहाँ पे आई कितना दिया है 0.04, और क्या दिया एन दिया है कितना 12। फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा प्रेजेंट वैल्यू का, आर ब्रैकेट में 1 - 1 + i - n / i, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5000 1 - 1 + 0.04 - 12 / 0.04, सॉल्व कर लीजिए, एक इसको सॉल्व कर लीजिए कितना जाएगा 125000 1 - 1.04 - 12 अपॉन क्या है, तो सॉल्व ही हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले हिस्से को सॉल्व करना है आपको, ये कुछ इस तरीके से सॉल्व करना, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ 125000 1 - ठीक है। अब आपको सॉल्व कैसा करना है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, वो 125000 इधर, ये डिवाइड में आ जाएगा 125000 इधर, डिवाइड बाय 1.04, नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर निकालिए, इससे डिवाइड कर दीजिए, समझ में आ रहा है, सिंपल कर दिया मैंने बच्चों यहाँ पे। इसका आंसर जो आएगा आप कैलसी में करिएगा, ये आएगा 1.60103, ठीक है, ऐसा आता जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिए, दोनों को सबको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी हमारी दैट इज 46925.36, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बता दिया, इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 1.04 आपका नीचे आ गया तो पॉजिटिव हो गया, आंसर आप निकाल सकते हो, डिवाइड करके सॉल्व करिए 46925, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा 12 का ऑप्शन क्या है, हमारा यहाँ पे डी। अब यहाँ पे बच्चों आ जाते हैं 13th वाले के ऊपर, A person desired to create a fund of to be invested at 10% CI per annum to provide for a price of rupees. तब 300 रुपये उसको price है, using V equals to A upon I. तो यहाँ पे आपको directly निकालना है, तो आप यहीं पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे V हमको यहाँ पे A कितना दिया है 300, I यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, 0.1, और यहाँ पे V आपको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू A अपॉन I, A कितना दिया 300 डिवाइड बाय 0.1, तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज 3000, 3000 यहाँ पे जो ऑप्शन आपका मैच हो रहा है दैट इज C वाला, सिंपल था, गिवन कंडीशन था, यहीं पे हम लोग ने सॉल्व कर दिया, ठीक है। V इक्वल्स टू AI, AI दिया था, I दिया था, V हमको निकलना था, दैट इज 3000, ठीक है। आपको होप करता हूँ यहाँ पे इतना समझ में आएगा होगा, ठीक, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4D में, ठीक है। तब तक इसको सॉल्व कर लिएगा, कुछ अगर डाउट डिफिकल्ट है तो पूछेगा, सॉल्व करिए बार बार, कि ये सब सम ऐसा है कि आपको देखने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, फॉर्मूला आपको याद होगा तो और इजीली हो जाएगा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो जाके आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ा, उसके लिए आप इंट्रोडक्शन देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को दो बार रीड करिएगा, कभी कभी हो सकता है एक बार मिस्टेक हो जाता है, तो दो बार रीड करिएगा और आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये इतना समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैक्स मोड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।